फोर मैचेस फोर विंस, न्यूजीलैंड ऑन अ रोल, ये है आईसीसी की टीम। आईसीसी ग्लोबल इवेंट्स में न्यूजीलैंड डार्क हॉर्सेस नहीं है, वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, हमेशा पंच अबव द वेट करते हैं। और फिर से उन्होंने जैसे 2015 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेला 2021 में, अब लग रहा है ये है दावेदार वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलने की। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप एशियन कंडीशंस में फाइनल करवाएं या फिर बाहर करवाएं कहीं पर, न्यूजीलैंड हमेशा ग्लोबल इवेंट्स में टॉप पर होती है। पहली टीम बनी है चार मैचेस जीतने वाली, 149 रन से पिछाड़ दिया उन्होंने अफगानिस्तान को, जहां पे लग रहा था कि चार अपसेट्स हो जाएंगे, तीन अपसेट्स हो चुके हैं। इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को 14 अक्टूबर को, उसके बाद जो अफगानिस्तान है वो भी जीत गया था इंग्लैंड से, फिर नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, लग रहा था अफगानिस्तान ये मैच भी जीत जाएगा। लेकिन एक स्टैट बताता हूं आपको, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप हिस्ट्री में आज तक टॉप 8 टीम्स के अलावा किसी से नहीं हारी, किसी मिनो या किसी एसोसिएट टीम या नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन से न्यूजीलैंड आज तक नहीं हारा, ये उनका रिकॉर्ड है। इवन पाकिस्तान आ रहा है आयरलैंड से, इंग्लैंड आ रहा है आयरलैंड से, अब फिर से हार गया इंग्लैंड अफगानिस्तान से, लेकिन टॉप 8 टीम्स के अलावा आज तक न्यूजीलैंड कभी किसी टीम से नहीं हारा, कभी किसी छोटी टीम ने उस न्यूजीलैंड को नहीं हराया। यही है बड़ी टीम की निशानी, एक पाए की टीम ग्लोबल इवेंट्स में हमेशा बेहतर करती है। और न्यूजीलैंड को केन विलियमसन की सिर्फ एक मैच में अवेलेबिलिटी जो थी वो मिली थी, उसको भी वो जीते, तीन मैचेस टॉम लेथम की कैप्टनसी में जीत गए। तो न्यूजीलैंड को फर्क भी नहीं पड़ रहा कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं या बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे। टिम साउदी के बगैर भी जीते हैं वो, लॉकी फर्गसन के बगैर भी जीते हैं, ट्रेंट बोल्ट भी इन एंड आउट रहते हैं, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस और अफगानिस्तान के कैचेस जो उन्होंने छोड़े थे उनको ले बैठे हैं। इस लेवल पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए आप कैचेस ड्रॉप करके नहीं बच सकते, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जो एक बहुत प्रोफेशनल टीम है, वो आपको इंच नहीं देते, मौका नहीं देते हैं। तो इतने कैचेस ड्रॉप करके आप कैसे सोच सकते हैं मैच जीतने का, अगर आपने मैचेस जीतने हैं असल में सेमीफाइनल के कंटेंडर बनना है तो आपको अपनी फील्डिंग बेहतर करनी होगी। और न्यूजीलैंड ने जिस तरह से फील्डिंग की है, मिचेल सैंटनर का कैच ऑफ द टूर्नामेंट, सैंटनर तो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों शोबों में तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कैच ऑफ द टूर्नामेंट के साथ उन्होंने अब सबसे ज्यादा विकेटें ले ली हैं इस वर्ल्ड कप में, लीडिंग विकेट टेकर इन दिस वर्ल्ड कप, एक मैच अपनी बैटिंग से भी जिता चुके हैं, बॉलिंग से कमाल कर रहे हैं। और जब ज्यादा आउट भी कर लेते हैं तो कहते हैं मैं खुश नहीं हूं उस परफॉर्मेंस से, मैं और बेहतर करना चाहता हूं। तो वो जो हंगर है, जो एपेटाइट है, वो उनके अंदर हमेशा रहती है। और न्यूजीलैंड की यही बात है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, 109 फॉर 4 हो गए थे, 108 में एक आउट था, फिर तीन उन्होंने अपने आउट जो थे वो एक रन पे तीन विकेटें गवा दी, 109 पे चार हो चुके थे, वहां से 288 किया। फिर बॉलिंग में अफगानिस्तान को उन्होंने कहीं पर भी सांस नहीं लेने दिया उनके बैटर्स को, मैट हेनरी का अग्रेशन आपको शुरू में नजर आया, लॉकी फर्गसन, मिचेल सैंटनर, कमाल की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड ने दी है, कमाल का नेट रन रेट है, टॉप ऑफ द टेबल है, 4 विंस इन 4 मैचेस, और कहीं से उनकी परफॉर्मेंस में ये नहीं लग रहा कि आप उनको पकड़ सकते हैं, सारे तीनों शोबों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही एक अच्छी टीम की पहचान है, यही एक चैंपियन टीम की पहचान है। हो सकता है ये न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप हो। कमेंट करके बताएं किसको लग रहा है कि पहली दफा हिस्ट्री में न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जीतने वाला है। क्लोज आए 2015 में फाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से, 2019 में इंग्लैंड से सुपर ओवर में फाइनल हारे, अब क्या वो जीतेंगे वर्ल्ड कप का टाइटल? कमेंट करके आप लोग सारे मुझे बताएं।